नमस्कार, आज हम यहाँ पर नर्सिंग एग्जामिनेशंस में, नर्सिंग कॉम्पिटिशंस में आने वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं वो करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, द अडेप्टेशंस ऑफ ए क्लाइंट विद कंप्लीट हार्ट ब्लॉक वुड मोस्ट लाइकली इंक्लूड। एक व्यक्ति है, उसमें हार्ट ब्लॉक हुआ है कंप्लीट, तो उसके अंदर क्या, उसकी बॉडी में क्या अडेप्टेशन आएंगे। पहला है नोजिया एंड वर्टिको, दूसरा है फ्लशिंग एंड स्लर्ड स्पीच हो जाएगी उसकी, तीसरा है सिफेलल्जिया एंड ब्लर्ड विजन, एंड फोर्थ है सिनकॉप एंड स्लो वेंट्रिकुलर रेट। तो इनमें से क्या होगा, यदि एक क्लाइंट के हार्ट ब्लॉक हुआ है कंप्लीट, तो उसमें एडेप्टेशन इनमें से क्या होगा। तो इसका आंसर होगा सिनकॉप एंड स्लो वेंट्रिकुलर रेट। उसका सिनकॉप होगा उसको और वेंट्रिकुलर रेट उसकी कम हो जाएगी। तो इसका आंसर आएगा डी। देन सेकेंड क्वेश्चन है, द क्लाइंट टू ईट विच ऑफ द फॉलोइंग फूड टू ऑप्टेन बेस्ट सप्लाई ऑफ विटामिन B12। एक व्यक्ति है, उसको विटामिन B12 की बेस्ट सप्लाई लेनी है, तो उसको कौन सा फूड इसमें से खाना चाहिए। पहला है होल ग्रेन, दूसरा है ग्रीन लीफी वेजिटेबल, थर्ड वन है मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट, एंड फोर्थ है ब्रोकोलाई। तो इन चारों में से कौन सा उसको खाना चाहिए, तो उसको खाना चाहिए मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट। मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट में क्या होता है, विटामिन B12 होता है मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट में। देन हमारा थर्ड क्वेश्चन है, द क्लाइंट विद पर्निशियस एनीमिया विल हैव विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टिंग्विशिंग लेबोरेटरी फाइंडिंग। एक व्यक्ति को पर्निशियस एनीमिया है, तो उनमें से क्या लेबोरेटरी फाइंडिंग उसमें मिलेंगी। पहला है शिलिंग टेस्ट एलिवेटेड, उसका शिलिंग टेस्ट एलिवेटेड होगा। दूसरा, इंट्रेंसिक फैक्टर एबसेंट होगा उसमें। तीसरा, सेडिमेंटेशन रेट जो होगी वो 16 mm/h होगी। और फोर्थ है RBC, उसका होगा 5.0 मिलियन। तो इनमें से कौन सा प्रेजेंट होगा, पर्निशियस एनीमिया में, तो आंसर होगा उसमें इंट्रिंसिक फैक्टर जो होगा वो एब्सेंट होएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इंट्रिंसिक फैक्टर एब्सेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, इन द पेशेंट विद एप्लास्टिक एनीमिया, एक व्यक्ति को एप्लास्टिक एनीमिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट टू टीच फॉर हेल्थ मेंटेनेंस। तो उसको हेल्थ मेंटेनेंस के लिए ऐसी कौन सी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो उसको हम टीच करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसके, पहला ऑप्शन है ईट स्मॉल प्रोटीन एंड डार्क लीफी वेजिटेबल ईच डे। हर दिन उसको एनिमल प्रोटीन लेनी है और डार्क लीफी वेजिटेबल लेनी है। दूसरा है अवॉइड एक्सपोजर टू अदर विद एक्यूट इन्फेक्शन, जिसको एक्यूट इन्फेक्शन है उससे उसका एक्सपोजर नहीं होने देना है। तीसरा है प्रैक्टिस योगा एंड मेडिटेशन टू डिक्रीज स्ट्रेस एंड एंजाइटी। योगा प्रैक्टिस करे वो, जिससे कि उसको स्ट्रेस और एंजाइटी नहीं हो। और फोर्थ ऑप्शन है गेट 8 आवर ऑफ स्लीप एट नाइट, 8 घंटे की वो स्लीप ले रात में। तो एप्लास्टिक एनीमिया के लिए क्या क्या टीचिंग देंगे हम, तो आंसर होगा इसका अवॉइड एक्सपोजर टू अदर्स विद एक्यूट इन्फेक्शन। क्योंकि एप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, RBCs, WBCs ये सब कम बनते हैं, और इसलिए इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए एप्लास्टिक एनीमिया में हम करेंगे अवॉइड एक्सपोजर टू अदर्स विद एक्यूट इन्फेक्शन। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, द प्राइमरी पर्पज ऑफ द शिलिंग टेस्ट इज टू मेजर द क्लाइंट्स एबिलिटी टू। जो हम शिलिंग टेस्ट करते हैं, उसका प्राइमरी पर्पज क्या होता है कि क्लाइंट की क्या एबिलिटी मेजर करनी होती है उसमें हमें। तो पहला है स्टोर विटामिन B12, वो कितना विटामिन B12 स्टोर कर सकता है। दूसरा, डाइजेस्ट विटामिन B12, कितना डाइजेस्ट कर सकता है विटामिन B12 को। एब्जर्व विटामिन B12, कितना एब्जर्व कर सकता है। और नेक्स्ट है प्रोड्यूस विटामिन B12, कितना प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसमें से, इन चारों ऑप्शंस में से क्या होगा, तो आंसर होगा एब्जर्व विटामिन B12, कितना एब्जर्व कर पाता है। ये हमें किससे पता चलता है, शिलिंग टेस्ट से।
और शिलिंग टेस्ट हम करते हैं पर्निशियस एनीमिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द नर्स इम्प्लीमेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर द क्लाइंट हु इज स्टार्टिंग ए शिलिंग टेस्ट। तो नर्स क्या इम्प्लीमेंट करेगी उस क्लाइंट में जिसमें कि हमें स्टार्ट करना है शिलिंग टेस्ट। तो पहला है एडमिनिस्ट्रिंग मेथिल सेलुलोज, उसमें मेथिल सेलुलोज एडमिनिस्टर करेंगे। दूसरा है स्टार्टिंग ए 24 to 48 आवर यूरिन स्पेसिमेन कलेक्शन, उसका 24 से 48 घंटे का यूरिन स्पेसिमेन कलेक्ट करेंगे। तीसरा मेंटेनिंग एनपीयू स्टेटस मेंटेन करेंगे। फोर्थ है स्टार्टिंग ए 72 आवर स्टूल स्पेसिमेन कलेक्शन या फिर 72 घंटे का स्टूल स्पेसिमेन कलेक्ट करेंगे। तो इन चारों में से क्या होगा आंसर, आंसर होगा इसका स्टार्टिंग ए 24 to 48 आवर यूरिन स्पेसिमेन कलेक्शन, स्टार्टिंग ए 24 to 48 आवर यूरिन स्पेसिमेन कलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइंट इज टू रिसीव एपोइटिन, एपोइटिन इंजेक्शन ले रहा है क्लाइंट, व्हाट लेबोरेटरी वैल्यू शुड द नर्स असेस बिफोर गिविंग द इंजेक्शन। तो क्या लेबोरेटरी वैल्यू नर्सिंग ऑफिसर असेस करेगा कि इंजेक्शन दिया जाए या नहीं। तो पहला है हेमेटोक्रिट लेवल, दूसरा है पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, तीसरा है हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, फोर्थ है प्रोथ्रोम्बिन टाइम। तो इन चारों में से क्या लेबोरेटरी वैल्यू असेस की जाएगी, तो लेबोरेटरी वैल्यू असेस की जाएगी हीमेटोक्रिट, हीमेटोक्रिट लेवल उसका कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग असेसमेंट इज ए लेट सिम्टम ऑफ पॉलीसाइथेमिया बैरा। इन नर्सिंग असेसमेंट में से पॉलीसाइथेमिया बैरा जो होता है उसका लेट सिम्टम क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है हेडेक, दूसरा है डिजीनेस, तीसरा है प्रूराइटिस और फोर्थ है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तो इनमें से कौन सा होगा, आंसर होगा प्रूराइटिस, ये है लेट सिम्टम ऑफ पॉलीसाइथेमिया बैरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए क्लाइंट इज डायग्नोस्ड विद एप्लास्टिक एनीमिया द नर्स मोनिटर्स फॉर चेंजेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल फंक्शन। तो एप्लास्टिक एनीमिया का डायग्नोस किया है क्लाइंट में, तो कौन सा फिजियोलॉजिकल फंक्शन होगा जो कि नर्सिंग ऑफिसर मॉनिटर करेगा। पहला है ब्लीडिंग टेंडेंसीज, ब्लीडिंग टेंडेंसीज क्या हैं वो करेगा, इनटेक एंड आउटपुट चेक करेगा, पेरिफेरल सेंसेशन देखेगा या बाउल फंक्शन देखेगा। तो इन सब में से क्या होगा, इन सब में से होगा ब्लीडिंग टेंडेंसी, वो चेक करेगा क्या चीज़, ब्लीडिंग टेंडेंसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड कंपोनेंट इज डिक्रीज इन एनीमिया। इनमें से कौन सा ब्लड कंपोनेंट है जो कि एनीमिया में कम हो जाता है। पहला है एरिथ्रोसाइट, दूसरा है ग्रेन्यूलोसाइट, तीसरा है ल्यूकोसाइट और फोर्थ है प्लेटलेट। तो इनमें से कौन सा होगा, इनमें से होगा एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट क्या होता है एनीमिया में कम हो जाता है, एरिथ्रोसाइट। तो आज हमने यहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर्स करे जो कि नर्सिंग कॉम्पिटिशन्स में आ सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें।